सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम आनिक हमने पढ़ना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर दोषों की परीक्षा चल रही है और दोष इन्होंने तीन बताए, राग द्वेष और मोह तथा दोषा तत्र त्रैराश्यम राग द्वेष मोह अर्थांतर भावात्। तो जब इन्होंने कहा कि भाई दोष तीन है, तो इन्होंने कहा कि तीन नहीं, एक ही मान लो दोष, तो क्योंकि इनका विरोधी तत्व एक ही है तत्व ज्ञान। तो उसका खंडन किया कि नहीं, विरोधी तो जैसे एक ही अग्नि के संयोग से कच्चे घड़े के रूप रस गंध स्पर्श आदि सब चेंज हो जाते हैं, उन सब का खंडन कर देता है एक अग्नि ही, लेकिन तो भी हम रूप रस गंध आदि को एक तो नहीं कहेंगे, सब अलग अलग है ना। तो कहा कि इनके भिन्न भिन्न होने पर भी, भिन्न तो हैं ही, एक तो हो ही नहीं सकते, लेकिन तीन होने पर भी उन तीनों में भी तेषां मोह पापियान, मोह जो है वो ज्यादा अनर्थकारी है, मूढ़ता अज्ञान मोह का मतलब, तो उससे ही राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। अमूढ़स्य न इतरोतर उत्पत्ति है, दूसरों की उत्पत्ति ही नहीं होती है यदि मूढ़ता ना हो तो। तो इन्होंने कहा तो फिर तो ये तो निमित्त नैमित्तिक भाव हो गया इन दोनों के बीच में, मोह निमित्त बन गया और राग और द्वेष नैमित्तिक बन गए, तो अर्थांतर भाव नहीं रहेगा फिर, हो जाएगा फिर तो ये तो अलग अलग हो गए ना, तो ये दोष की श्रेणी में नहीं आएगा फिर मोह। निमित्त नैमित्तिक भावात अर्थांतर भावो दोषेभ्य, माने मोह इन दोनों से अलग हो गया, अर्थांतर भाव हो गया, तो त्रित्व खंडित हो जाएगा आपका दोषों का। अन्यद ही निमित्तम अन्यच्च नैमित्तिकम इति दोष निमित्तत्वात् अदोषो मोह इति, मोह जो है वो दोष वाली श्रेणी में नहीं आएगा, त्रित्व में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो निमित्त बन गया। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, न दोष लक्षणावरोधात् मोहस्य, मोहस्य मोह का दोष लक्षणा अवरोधात् न, दोषों का जो सामान्य लक्षण है उसमें तो इसका संग्रह हो रहा है ना, मोह का दोष का लक्षण क्या किया था, प्रवर्तना लक्षणा दोषः, तो मोह के कारण भी तो प्रवृत्ति होती है ना, तो न दोष लक्षण अवरोधात्, दोष का जो लक्षण था प्रवर्तना लक्षणा दोषः उसका अवरोध होने से, माने सामान्य लक्षण में उसका संग्रह होने से, न मोहस्य मोह को उससे अलग नहीं हटाया जाता, त्रित्व से अलग नहीं किया जा सकता, तो मोह भी दोष की ही श्रेणी में आएगा क्योंकि लक्षण घटित हो रहा है। प्रवर्तना लक्षणा दोषा इति अनेन दोष लक्षणेन अवरुध्यते दोषेषु मोह इति, दोषों में ही इस मोह को भी अवरुद्ध किया गया, बांधा गया है, समेटा गया है इस लक्षण के द्वारा, इसलिए मोह भी दोष ही है, उससे अलग नहीं है। निमित्त नैमित्तिकोपपत्तेश्च तुल्य जातीयानाम अप्रतिषेधः, कह रहे तुल्य जाति वालों में भी निमित्त और नैमित्तिक भाव हो सकता है, इन्होंने यही तो दोष दिखाया था ना कि भई ये निमित्त है मोह और ये नैमित्तिक है, तो ये एक तुल्य जाति वाले नहीं हो सकते, क्योंकि निमित्त अलग होता है, नैमित्तिक अलग होता है,
नैमित्त अलग होता है। तो ये कह रहे नहीं, निमित्त नैमित्तिक उपपत्तेश्च तुल्य जातीया नाम तुल्य जाति वाले पदार्थों में भी निमित्त और नैमित्तिक दोनों की उपपत्ति होने से एक ही जाति वाले पदार्थ निमित्त और नैमित्तिक दोनों बन सकते हैं, इसलिए अप्रतिषेध मोह दोष नहीं है, ये प्रतिषेध आप नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ये उदाहरण दे रहे हैं, द्रव्याणाम गुणानाम वा अनेक विध विकल्प निमित्त नैमित्तिक भावे तुल्य जातीया नाम दृष्ट इति। जैसे द्रव्यों में, अब द्रव्य तो द्रव्य ही है, लेकिन उन द्रव्यों में भी एक द्रव्य निमित्त बन जाता है, एक नैमित्तिक बन जाता है, लेकिन है तो दोनों एक ही जाति वाले द्रव्य ही है ना दोनों। ऐसे गुणों में भी एक निमित्त बन जाता है, एक नैमित्त बन जाता है, ठीक है। द्रव्य में निमित्त काला मिट्टी घड़ा, का तो भी निमित्त बन सकते हैं। जैसे मिट्टी भी एक द्रव्य है, घड़ा भी एक द्रव्य है, तो निमित्त नैमित्तिक बन गए ना। और ऐसे ही गुणों में दो गुण मिला करके कोई एक तीसरा कलर बन जाता है, हल्दी चूना मिलाओ तो तीसरा बन जाता है लाल। तो गुणों में भी ऐसे हो जाता है। तो एक निमित्त नैमित्त अनेक विध ऐसे मिल जाते हैं निमित्त नैमित्तिक भाव तुल्य जाति वालों में, तो ये कोई दोष भी नहीं है। तो दो तरह से इनके दोष का इन्होंने समाधान कर दिया है। तो इससे क्या वो हुआ, स्थापित हुआ कि ये तीनों ही दोष हैं, राग द्वेष और मोह, और उनमें भी मोह ज्यादा पापी यानी ज्यादा अनर्थकारी है, मूढ़ता अविद्या अज्ञान, उससे ही सारे दोष उत्पन्न होते हैं। अब दोष के बाद अगला जो प्रमेय है वो है प्रेत्यभाव, तो अब उसकी परीक्षा कर रहे हैं। दोषानंतरम प्रेत्यभाव तस्या सिद्धि, कह रहे हैं दोष के भाव, दोष के बाद क्रम से प्राप्त प्रेत्यभाव है और उसकी परीक्षा हमें करनी है। तो कह रहे हैं प्रेत्यभाव की परीक्षा तो तब करें जब प्रेत्यभाव की सिद्धि हो। प्रेत्यभावस्य असिद्धि, प्रेत्यभाव की तो सिद्धि ही नहीं होगी, प्रत्यभाव सिद्ध हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, आत्मनः नित्यत्वात्, क्योंकि प्रत्यभाव किसको कहते हैं, मर करके दोबारा उत्पन्न होना, तो उसी को तो प्रत्यभाव कह रहे हैं। तो बोलिए मरेगा ही नहीं, आत्मा तो नित्य है, तो प्रत्यभाव किसका। आत्मनः नित्यत्वात् न खलु नित्यम किंचित जायते म्रियते वा इति, जो नित्य होता है वो ना कभी मरता है और ना कभी उत्पन्न होता है, तो इसलिए प्रत्यभाव की सिद्धि ही नहीं होगी। जन्म मरणयोः नित्यत्वात् आत्मनः अनुपपत्ति, आत्मनः नित्यत्वात् आत्मा के नित्य होने से जन्म मरणयोः अनुपपत्ति, जन्म मरण की उत्पत्ति ही नहीं होगी। उभयम् च प्रत्यभाव इति, और मर करके पैदा होना इसी को तो प्रत्यभाव कहते हैं। तत्र अयम् सिद्धानुवादः, प्रत्यभाव का लक्षण क्या है, पुनरुत्पत्ति ही प्रत्यभाव, मर करके पुनः उत्पन्न होना ये प्रत्यभाव है। तो बोले ये तो आत्मा जो है वो पहले ही हम नित्य सिद्ध कर चुके हैं, तो नित्य होने से प्रत्यभाव की सिद्धि नहीं होगी। जो किसी चीज की परीक्षा जब करनी होती है तो वो तो फिर संशय उठा करके की जाती है ना, तो सभी जगह पीछे से भी परीक्षा ऐसे ही तो होती आ रही है, तो उसी दृष्टि से इन्होंने शुरू किया संशय पूर्वक ही। तो बात तो ठीक है ना इनकी, पूर्व पक्षी की ही है, लेकिन बात तो ठीक कह रहा है, आत्मा नित्य है तो ना जन्म होगा ना मृत्यु होगी, तो प्रत्यभाव क्यों होगा। और यदि आप कहो कि शरीर का तो जन्म और मृत्यु होता है, तो वो शरीर तो मर करके फिर आगे कहीं जाता नहीं, तो उसका प्रत्यभाव हो नहीं सकता, शरीर तो यहीं जल के समाप्त हो जाता है, तो वो मर के कहीं उत्पन्न होता नहीं वो शरीर, इसलिए शरीर का प्रत्यभाव नहीं होगा। और यदि आप कहो कि आत्मा का होता है प्रत्यभाव, तो आत्मा ना मरती है ना जन्मती है, तो उसका भी प्रत्यभाव नहीं होगा। तो इनका प्रश्न उचित है, अब इसका उत्तर दे रहे हैं ये, आत्मनित्यत्वे प्रत्यभाव सिद्धि ही, कह रहे हैं आत्मा के नित्य होने से ही प्रत्यभाव की सिद्धि हो रही है, अगर आत्मा अनित्य होता तो प्रत्यभाव की सिद्धि नहीं होती। जिसको आपने खंडन में हेतु बताया है वो
मंडन में हेतु है। नित्यो अयम आत्मा, यह आत्मा नित्य है। प्रैति, प्रैति का मतलब है पूर्व शरीरम जाहाति म्रियते, इति प्रत्यच पूर्व शरीरम हित्वा भवति जायते। प्रैति का अर्थ है पूर्व शरीरम जाहाति, पहले वाले शरीर को छोड़ के ये चला जाता है यहाँ से, प्र इत, तो उसको क्या कहते हैं, म्रियते, मर गया। और इति च प्रेत्य, प्रेत्य भाव दो शब्द है ना प्रेत्य भाव में, तो प्रेत्य क्या है, पहले शरीर को छोड़ करके यहां से जाना, अर्थात उसी को कहते हैं म्रियते, मर गया, इसको तो कहा प्रेत्य। इति प्रेत्य, प्रेत्य का मतलब है पूर्व शरीरम हित्वा, और भाव कैसे बना, क्या प्रैति का मतलब है पूर्व शरीरम जाहति, और उसी को कहा म्रियते, ठीक है, मर गए ऐसे कहा। यहां पर अल्प विराम लगा लो, ये एक बात पूरी हो गई, म्रियते इति, इति पे लगा लो। प्रैति का अर्थ है पूर्व शरीरम जाहति म्रियते इति, एक बात पूरी हुई, ये प्रैति का अर्थ है। अब प्रेत्य भाव जो है ना, इसका वो बता रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रत्यच, प्रत्यच के बाद वो निशान लगा सकते हैं, इज इक्वल टू का, पूर्व शरीरम हित्वा अल्प विराम, भवति इज इक्वल टू जायते इज इक्वल टू शरीरांतरम उपादत्त इति, ये दूसरी बात पूरी हुई। कह रहे हैं प्रत्य का मतलब है पूर्व शरीरम हित्वा, पहले वाले शरीर को छोड़ करके, और भवति इति जायते, भवति का मतलब है भाव, भाव में आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जायते, जायते भाव, शरीरांतरम उपादत्त, दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है, दूसरा शरीर उत्पन्न नहीं होता है, ये आत्मा एक शरीर को छोड़ देता है, इसको कहते हैं म्रियते, और दूसरे शरीर को उपादत्ते, इसको कहते हैं जायते, तो यही प्रत्यय भाव है। तच्च एतत् उभयम्, और ये दोनों, एक को छोड़ना और दूसरे को प्राप्त करना, ये कब हो सकता है, जब वो नित्य हो। तच्च एतत् उभयम् पुनरुत्पत्ति ही प्रत्यय भाव, तो ये जो दोनों, दोनों का मतलब एक शरीर को छोड़ के दूसरे को प्राप्त करना, मर करके दोबारा उत्पन्न होना, तो ये जो पुनः उत्पत्ति है ये है प्रेत्य भाव। इत्यत्र उक्तम पूर्व शरीरम हित्वा शरीरांतर उपादानम प्रेत्य भाव, माने इस सारे का सारांश बता रहे हैं, पहले वाले शरीर को छोड़ करके ये आत्मा शरीरांतर को ग्रहण कर लेता है, इसका नाम है प्रेत्य भाव। तो ये आत्मा के नित्य होते ही सिद्ध हो सकता है, अनित्य होगा तो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जो नित्य है वो इस शरीर के साथ भी रहना चाहिए और अगले शरीर के साथ भी रहना चाहिए, तो वो शरीर नहीं दो शरीरों के साथ रह सकता है, आत्मा ही रह सकता है। इति तच्च एतत् नित्यत्वे संभवति इति, तो ये मर करके दोबारा उत्पन्न होना, उत्पन्न होना शब्द प्रयोग नहीं किया इन्होंने, दूसरे के साथ जुड़ना ऐसे कहा। पूर्व शरीरम हित्वा शरीरांतरम उपादत्ते इति, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के साथ जुड़ना, ये आत्मा के नित्य होने पर ही संभव हो सकता है। यस्य तु सत्वोत्पादः सत्व निरोधः प्रेत्य भावः तस्य कृतहानम अकृत अभ्यागमश्च दोषः। यस्य, जिस पूर्व पक्षी के मत में अगर कोई ये कहे कि हम तो आत्मा को नित्य नहीं मानते, बल्कि इस सत्व को क्या मानते हैं हम, उत्पत्ति और विनाश वाला मानते हैं। यस्य तु सत्वोत्पादः, जिसके मत में सत्व की उत्पत्ति होती है और सत्व निरोध है और सत्व का नाश होता है, आत्मा की उत्पत्ति और आत्मा का नाश होता है, और उसके मत में यदि प्रेत्य भाव दिखाने लगे तो कह रहे हैं तस्य कृतहानम अकृत अभ्यागमश्च दोषः, तो उसके मत में कृतहान और अकृत अभ्यागम का दोष आने लगेगा, क्योंकि जब ये आत्मा शरीर के साथ मर गया तो इस शरीर में इसने जो जो भी दोष किए थे, पाप किए थे,
तो वो सब फल मिलेगा नहीं इसको, क्योंकि तो नष्ट हो गया, तो कृतहान हो गया। और जो अगला है उसको जो भी मिल रहा है, जो आत्मा उत्पन्न हो रहा है उसको सुख दुख भोग आदि जो भी मिल रहे हैं, वो कैसे मिल गए? बिना किसी अनाश्रित, तो अकृत अभ्यागम हो गया, उसने वैसा किया ही नहीं था जो कुछ उसको मिल गया। तो ये दोनों दोष आएंगे। तो पहले आत्मा की परीक्षा करते समय हम पढ़ चुके हैं इसको विस्तार से। उच्छेद हेतु वादे ऋषि उपदेशाश्च अनर्थका इति। और बोले आत्मा का उच्छेद होता है, इस हेतुवाद को यदि हम माने, नाश वाले को उच्छेद हेतुवादे, नाशवाद माने यदि, उच्छेदवाद माने, तो ऋषि उपदेशाश्च अनर्थका। तो ऋषियों ने जो उपदेश दिया है कि भाई पुण्य कर्म करो और ऐसा ऐसा मत करो, विधि निषेध जो सारा है वो सारा अनर्थक हो जाएगा। तो ये सारा सार्थक है ही तब जब आत्मा नित्य है। तो तभी तो व्यक्ति डरेगा ना कि भी अभी किया तो बाद में मेरे कोई भुगतना पड़ेगा, अभी यदि पुण्य किया तो आगे मोक्ष मिलेगा, तभी तो कर सकता है, और नहीं तो करेगा नहीं, तो सारा उपदेश निरर्थक हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, व्यक्ताद व्यक्ता नाम प्रत्यक्ष प्रामाण्यात्। कह रहे हैं व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से पता चलता है। कथम उत्पत्ति रीति चेत, केन प्रकारेण, किन धर्मात्, किन धर्मकात् कारणात् व्यक्तम् शरीरादि उत्पद्यते इति। अब शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है ये कहा ना, क्योंकि आत्मा की तो उत्पत्ति होती नहीं है, शरीर की ही उत्पत्ति होती है। तो किस आधार पे होती है इसकी? किसी अव्यक्त से ये व्यक्त हो जाता है क्या? बोले नहीं, व्यक्ताद व्यक्तानाम, व्यक्त से ही व्यक्त की, व्यक्त माने शरीर, और इस शरीर की उत्पत्ति भी किससे हो रही है? व्यक्त से ही हो रही है। व्यक्त मतलब परमाणु, परमाणु से जो सूक्ष्म क्या बोलेंगे, तन्मात्राएं, तन्मात्राएं से तन वो पंचभूत, और पंचभूतों से शरीर की उत्पत्ति। तो तन्मात्राओं में जो पार्थिवादी परमाणु हैं उसको भी क्या माना यहाँ पर नैयायिकों ने? व्यक्त ही माना है उसको, मतलब ये स्थूल जो मृत कणादि हैं उसकी दृष्टि से तो सूक्ष्म है, लेकिन उस परमाणु का भी अपना एक आकार प्रकार है, तो उसको भी व्यक्त ही माना है। तो इसलिए कहा व्यक्ताद व्यक्तानाम, उस व्यक्त से ही जो शरीर आदि व्यक्त हैं उनकी उत्पत्ति होती है प्रत्यक्ष प्रामाण्यात्, ये प्रत्यक्ष देखा भी जाता है। और कथम उत्पत्ति थी चेत, कैसे इन शरीर आदि की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से होती है, किस धर्म से होती है, उस सूक्ष्म में क्या क्या धर्म थे, किन धर्मात् कारणात्, किस कारण धर्म क्या थे जिनसे कि ये व्यक्त शरीर आदि की उत्पत्ति हुई, ये प्रश्न उठता है। तो उसका उत्तर दे रहा है ये सूत्र। ये सूत्र कह रहा है व्यक्तात् भूत समाख्यात् पृथिव्यादितः परम सूक्ष्मात् नित्यात् व्यक्तम शरीर इंद्रिय विषय उपकरणाधारम प्रज्ञातम द्रव्यम उत्पद्यते। कह रहे हैं व्यक्त भूत समाख्यात्, व्यक्त भूतों से, व्यक्त भूत कौन से हैं? पृथिव्यादितः, पृथ्वी आदि जो पंचभूत हैं उनसे, और इनके भी मूल में जो परम सूक्ष्मात् माने तन्मात्राएं, जो परम सूक्ष्म हैं, और नित्यात् उसको नित्य माना है। नैयायिक परमाणु को नित्य मानते हैं और सांख्य मूल प्रकृति को नित्य मानता है, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया, सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उस एक तत्व को तो नित्य मानना ही पड़ेगा ना। तो उनकी सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से शुरू होती है? मूल प्रकृति से। तो वो तो उसको नित्य मानते हैं। और न्याय और वैशेषिक की उत्पत्ति कहाँ से शुरू होती है? परमाणु से। ये परमाणु को नित्य मानते हैं, इसलिए कहा परम सूक्ष्मात् नित्यात् नित्याद व्यक्तम शरीर इंद्रिय विषय उपकरणाधारम प्रज्ञातम द्रव्यम उत्पद्यते। तो उस तन मात्राओं से ही शरीर, इंद्रियां और विषयों के उपकरण आधार जो इंद्रिया आदि हैं, प्रज्ञातम, प्रज्ञातम माने व्यक्तम, व्यक्त द्रव्य अर्थात शरीर, इस शरीर आदि की उत्पत्ति होती है। व्यक्तम च खलु इंद्रिय ग्राह्यम तत्सामान्यात् कारणम अपि व्यक्तम।
कह रहे हैं व्यक्तम च खलु इंद्रिय ग्राह्यम, इंद्रियों के ग्रहण करने योग्य जो रूप रस गंध आदि हैं ये कैसे हैं, व्यक्त हैं। व्यक्तम च खलु इंद्रिय ग्राह्यम तत् सामान्यात् कारणम अपि व्यक्तम, तो जो कार्य में दिखाई दे रहा है वही कारण में भी होना चाहिए। तो कह रहे हैं उसी समान न्याय से कारण भी क्या है, व्यक्त ही है। किम सामान्यम, दोनों में क्या समानता है, तो कहा रूपादि गुण योग, रूपादि गुणों का योग दोनों में समान रूप से दिखता है। कारण में जो रूप होगा वही कार्य में आएगा, कारण में जो जो गुण होंगे वो कार्य में आएंगे। तो जो शरीर आदि में रूप आदि दिखाई दे रहे हैं, रूप गंध स्पर्श आदि जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब किसमें हैं, तन्मात्राओं में भी हैं। पार्थिव शरीर में जो दिखाई दे रहा है वो पार्थिव एक सूक्ष्म परमाणु में भी है, तो इसलिए न्याय वैशेषिक में जो पार्थिव परमाणु है उसके चार गुण माने हैं ना, और फिर क्रमशः उनके तीन दो एक जो हमने पढ़ा था पहले। तो कहा रूपादि गुणों का योग है उसमें, व्यक्त में तो स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है रूपादि गुणों का योग, लेकिन इसका जो कारण है तन्मात्राएं उनमें भी रूपादि गुणों का योग है। रूपादि गुण युक्तेभ्य पृथिव्यादिभ्य नित्येभ्य रूपादि गुण युक्तम शरीरादि उत्पद्यते, इसका अर्थ ये बता रहे हैं कि रूपादियों से युक्त जो गुण है अर्थात तन्मात्राएं पृथिव्यादिभ्य नित्येभ्य, पृथ्वी आदि के जो परमाणु हैं जो कि नित्य हैं उनसे रूपादि गुण युक्तम शरीर आदि उत्पद्यते, रूपादि गुणों से युक्त जो नित्य पार्थिव आदि परमाणु हैं उनसे शरीर आदि की उत्पत्ति होती है। प्रत्यक्ष प्रामाण्यात्, और ये हम प्रत्यक्ष देखते ही हैं, कैसे दृष्टो ही रूपादि गुण युक्तेभ्य मृत प्रभृतिभ्य तथा भूतस्य द्रव्यस्य उत्पादः तेन च अदृष्टस्य अनुमानम इति। बोले लोक में हम देखते हैं जिस रूप आदि गुणों से युक्त जो मिट्टी आदि होते हैं उनसे तथा भूतस्य द्रव्यस्य उत्पादः, उसी प्रकार के द्रव्य की उत्पत्ति होती है। मिट्टी यदि लाल है तो उससे बनने वाला घड़ा आदि भी लाल रंग का होगा, काली मिट्टी है तो काला बनेगा। तो जैसा उसमें रूप आदि गुण का योग होता है ऐसा ही उसके कार्य में भी होता है। रूपादि गुण युक्तेभ्य मृत प्रभृतिभ्य तथा भूतस्य द्रव्यस्य उत्पादः तेन च, तो ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो इससे हमने अनुमान प्रमाण से जान लिया कि जो तन्मात्राएं हमें अदृष्ट हैं दिखाई नहीं दे रही हैं उनमें भी जरूर वही रूपादि गुण रहे होंगे जो कि शरीर आदि द्रव्यों में दिखाई दे रहे हैं। बोलो, प्रत्यक्ष से अनुमान होता है ना। प्रणाम बोध्यदेव, वैशेषिक दर्शन में विशेष का जो प्रसंग आया है भाष्य में, प्रशस्त भाष्य में, उसमें आचार्य जी ऐसे ही बताया कि स्थूल वस्तु में जैसे हमें विशेष दिखाई देता है ऐसे ही मतलब सूक्ष्म जो परमाणु है उसमें भिन्न भिन्न रूप रस सब कुछ है, तो योगी को मतलब प्रत्यक्ष होता है, हम लोगों को अनुमान से सुधरना ऐसे ही है। ठीक, तो आपने तो पुष्टि की है मेरे कथन की। तेन च अदृष्टस्य अनुमानम इति रूपादि नाम अन्वय दर्शनात् प्रकृति विकारयो हो, प्रकृति और उसके विकार में रूपादियों का अन्वय देखे जाने से, माने धागा यदि सफेद है प्रकृति में तो विकार में श्वेत वस्त्र बनेगा, लाल है तो लाल वस्त्र बनेगा। पृथिव्यादि नाम नित्यानाम अतीन्द्रियाणाम कारण भाव अनुमीयते इति, तो जो पृथिव्यादि नाम नित्यानाम अतीन्द्रियाणाम जो सूक्ष्म तन्मात्राएं सूक्ष्म भूत हैं जो कि इंद्रिय ग्राह्य तो नहीं है, अतीन्द्रिय हैं लेकिन वो नित्य हैं, तो उनमें और जो व्यक्त दिखाई देते हैं इन दोनों में कार्य कारण भाव का अनुमान किया जाता है। प्रत्यक्ष को देख करके उसका भी अनुमान किया जाता है वैसे ही। तो ये इन्होंने क्या बताया कि जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं जिनसे शरीर आदि की उत्पत्ति हुई है उन सूक्ष्म तन्मात्राओं में ही रूप आदि गुणों का योग हो जाता है। ऐसा नहीं कि उनमें कोई रूप आदि गुण नहीं थे और फिर उनसे जो शरीर आदि बने उनमें वो गुण आ गई रूप आदि गुण, ऐसा नहीं है।
उनमें अत्यंत सूक्ष्म रूप में था, जो कि इंद्रिय ग्राह्य नहीं था, पर उनका ही जो कार्य या उनका जो विकार है वो फिर इंद्रिय ग्राह्य हो जाता है, ये इन्होंने बताया। हाँ, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होगी, ये दोष आएगा। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न उठा रहा है, न घटाद घट निष्पत्ते है, बोलो व्यक्त से ही व्यक्त की उत्पत्ति होती है, तो घट से घट बना दो ना, तो घट से तो घट की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। न घटाद घट निष्पत्ते है इदम अपि प्रत्यक्षम, बोले जो आप उसको प्रत्यक्ष बता रहे हो कि भाई जैसे मिट्टी आदि में या वस्त्र के तंतु आदि में जो रूप आदि गुण होते हैं वही उसके कार्य में भी देखे जाते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बोले ये भी तो प्रत्यक्ष है कि घट से घट की उत्पत्ति नहीं होती है, ये भी तो प्रत्यक्ष है, ऐसा इनका कहना है। इदमपि प्रत्यक्षम न खलु व्यक्ताद घटाद व्यक्तो घट उत्पद्यमानो दृश्यते इति, किसी व्यक्त घट से किसी दूसरे व्यक्त घट की उत्पत्ति नहीं देखी जाती, ये भी तो प्रत्यक्ष है। व्यक्ताद व्यक्तस्य अनुत्पत्ति दर्शनात् न व्यक्तम कारणम इति, कह रहे हैं व्यक्त से व्यक्त की अनुत्पत्ति देखे जाने से, व्यक्त घट से व्यक्त घट की अनुत्पत्ति देखे जाने से है? व्यक्त घट से व्यक्त घट की अनुत्पत्ति देखे जाने से न व्यक्तम कारणम, कारण में व्यक्तता नहीं है, रूपादि गुण जो है वो तन्मात्राओं में नहीं होते हैं, ये इनका कहना है। तो कह रहे हैं व्यक्ताद घट निष्पत्ते है अप्रतिषेधः, बोले हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि सब सब का कारण बन जाएंगे, घट का कारण घट बन जाएगा, ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, पर जो घट बन रहा है वो भी व्यक्त से ही बन रहा है, मिट्टी के कणों से बन रहा है ना, तो मिट्टी के कणों में जो रूपादि गुण है वही घट में आ रहे हैं। न ब्रूमे सर्वम सर्वस्य कारणम इति, हम ये नहीं कह रहे कि सब सब का कारण बन जाएंगे, किंतु यद उत्पद्यते व्यक्तम द्रव्यम, जो भी व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होता है तत् तथा भूतादेव उत्पद्यते, वो उसी प्रकार के कारण द्रव्य से बनता है। व्यक्तम चेतन मृद द्रव्यम, बोले जो मिट्टी का मिट्टी द्रव्य वो तो व्यक्त है ना, और या तो मिट्टी से घड़ा बनता है या तो कपाल संजयकम, कुछ कपाल पहले बनाते हैं फिर उसको जोड़ लेते हैं, तो वो भी व्यक्त है, यह तो घट उत्पद्यते। न च एतत् निहनुमानः कश्चित् अभ्यनुज्ञां लब्धुम् अर्हति इति, तो इस सत्य को छिपाते हुए आप न क्वचित् अभ्यनुज्ञां लब्धुम् अर्हति इति, कहीं भी आप कार्य कारण सिद्धांत को प्राप्त कर ही नहीं पाओगे, तो ये तो सत्य है, इसको आप भी नहीं छिपा सकते हो। तो तद एतत् तत्त्वम्, तो सत्य क्या है, सत्य यही है कि व्यक्त से ही व्यक्त की उत्पत्ति होती है, अर्थात निहनुमान मतलब छिपाता हुआ, पूर्व पक्षी इस सत्य को छिपाता हुआ कहीं भी कार्य कारण के सिद्धांत को फिर प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो ये इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसको छिपा नहीं सकता है। तो तत्व की बात ये आई कि व्यक्त से ही व्यक्त की उत्पत्ति होती है, तो इन्होंने कहना ये चाहा है कि जो तन्मात्राएं हैं उन्हीं में रूपादि गुणों का संयोग हो जाता है। तो आज यहीं तक रखते हैं। ओम शांति 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 ही, श्री गुरुभ्यो नमः।